बेटो, एक छोटी सी दिक्कत रहेगी, फिर ये खेत भी अपने हो जाएंगे। अरे थोड़े दिन की बात से उसमें भी ला देंगे किधर ठिकाने, फिर हम मालिक और धरती मारी। चौधरी साहब वो देखो उड़े, आओ चलो। देख लो चौधरी साहब, या इस सपोले ना मारे खातर पालन लाग रही से। सावित्री, तेरा खसम तो मर गया पर तेरी जवानी न्यू की न्यू से क्यों दुख ठा रही से? मेरी प्यास बुझा दे। प्यास तो बुझेगी दुर्जन तेरी नहीं मेरी, और वो भी तेरे खून ते। अरे बावली, दुनिया कुत्ते पाले, बिल्ली पाले, भैंस पाले, डंगर पाले, और तू ही सपोले ना पाले लाग रही से। रस्सी खड़गी पर पड़ नहीं गए। मैं उस शमशेर की बहू की बात कर रहा हूँ। बेराना क्यों उस नन्नी जान के पाछे पड़ रही से, मारन हो रही से उस छोरे ने। बदला लेगी दुर्जन ते। ये तेरी भूल से दुर्जन, 10 साल पाछे हम बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े तेल लगा के, और बुढ़ापा तिनके की तरिया होया करे। एक हवा का झोंका भी उड़ा के ले जा करे, 10 साल पाछे वो छोरा जवान हो जाएगा जवान, और जवानी लोहा हो से लोहा। पलटू, इसका मतलब तो यो होया, लोहे को काटने खातिर हमने भी लोहा तैयार करना पड़ेगा। ये भी मैं बताऊंगा, पहलवान जो बनेगा जग्गा। चौधरी बेटी, क्यों नन्नी जान के पीछे पड़ रही है तू? के बिगाड़ा इसने तेरा? रामू काका, मने यो वो तूफान बनाना से जो पहाड़ दे भी टकरावे तो पहाड़ चूर चूर हो जावे। तो क्यों परेशान हो रही है बेटी? अगर तुम्हें यो पहलवान बनवाना से तो इसने गुरुजी के पास ले जा, गुरुजी के पास। ठीक सर रामू काका, मैं इसने कल गुरुजी के पास ले जाऊंगी। चलो जाओ बेटा। ठीक है चल। अरे तेज बीर, तू जब भी दाव मारता है बगैर सोचे समझे मारता है और खुद ही गिर जाता है। बेटा दाव मारने से पहले सोचा कर दिमाग से। पांच हुले बेटा। राम राम गुरुजी। बहन, मैंने पहचाना नहीं आपको, कौन हो आप? मैं शमशेर की पत्नी सावित्री हूँ गुरुजी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे गुरुजी, उनकी बस एक ही तमन्ना थी गुरुजी, अपने बेटे बिरजू को हिंद केसरी बनाना। इसलिए मैं इस ना आपके घरे लाई हूँ गुरुजी। सावित्री, जो हुआ है मुझे उसका बेहद अफसोस है। खैर, अगर शमशेर चाहता था इसे हिंद केसरी बनाना, तो यकीन करो मैं इसको ऐसा फौलाद बनाऊंगा, अगर पहाड़ भी इससे टकराएगा ना तो वो भी चूर चूर हो जाएगा। इसको मैं हिंद केसरी बनाऊंगा। आ मेरा बेटा, आ मेरे पास बैठ, आजा बैठ मेरे पास। पड़ेगा।
बिरजू। जी गुरुजी। जिस सोने को मैंने 15 साल आग में तपाया है ना, आज मैं देखना चाहता हूं कि वो कुंदन बना है कि नहीं। जा। ठीक है गुरुजी। जाओ बेटा, परमात्मा तुम्हें कामयाबी दे। जा। शाबाश बेटा, जो तूने 15 साल मेहनत की है ना, ये उसका फल है। दिल खुश कर दिया तूने। हाँ, दिल खुश कर दिया है। आओ भाई आओ, पहलवान बचाओ। आज मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूं जो मैंने अपने गुरु से सीखा है। आओ बेटा आओ, आओ आओ आगे आ जाओ बेटा। जिंदगी में अगर अपने दुश्मन के घर भी जाओ ना, तो उसकी भी माँ बहन की तरफ आंख उठा के मत देखना। जी हाँ। जितनी देर ये असूल तुम में होगा ना जी, तुम जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे। ठीक गुरु जी। और गांव की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझना और उनकी इज्जत की रखवाली करना। जब भी कभी खड़े हो तो जिंदगी में गरीब की मदद के लिए खड़े हो। कमजोर को तंग मत करना। जितनी देर ये असूल बना के चलोगे ना, परमात्मा भी आपकी मदद करेगा। और लंगोट के लिए पक्के रहना। आदमी को अपने लंगोटे का पता होना चाहिए। जितनी देर लंगोटे के पक्के हो ना, परमात्मा हर मैदान में आप लोगों को जीत लाएगा।